Hey guys, welcome back to Speed 16. How are you? कैसे हैं आप सब लोग? So guys, Mahindra Bolero has been launched और अब लोगों के अंदर confusion हो रहा है. क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि यार अर्टिगा खरीदें या फिर महिंद्रा बोलेरो नियो खरीदें, कौन सी कार खरीदें. चलिए ठीक है, वो कंफ्यूजन आज दूर कर देते हैं और आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर है. देखिए, सब चीज़ों पे बात करेंगे, इसके इंजन के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर कंपेरिजन किया जाएगा और ओवरऑल इनको पॉइंट्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि किस कंज्यूमर के लिए, किस कस्टमर के लिए, किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा बेहतर कार कौन सी हो सकती है. सो मेक श्योर आप कंप्लीट वीडियो देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मिले ऐसी ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर. सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की. तो यहाँ पे जो प्राइसिंग मिल रही है ZXI प्लस की, वो आपको मिलती है 11,06,000 अप्रोक्स ऑन रोड. तो बोलेरो नियो जो आपको मिलती है वो मिलती है 11,38,000. सो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों का वो 31,000 अप्रोक्स है. सिटी टू सिटी वेरी करेगा, जो भी लोकेशन होगी इंडिया की तो उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा आपके टैक्सेस के अकॉर्डिंग. अब बात करते हैं इंजन की. तो इंजन के अंदर आपको 1462 का इंजन मिलता है अर्टिगा के अंदर और वहीं आपको जो बोलेरो का इंजन है वो मिलता है 1493 सीसी का. तो यहां पे अगर इंजन की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर हैं, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, पावर की बात करी जाए, तो डेफिनेटली पावर आपको बोलेरो नियो में ज्यादा मिलने वाली है. कम आरपीएम पे आपको ज्यादा पावर मिलने वाली है, आपको टॉर्क भी बेहतर मिलेगा. तो यहाँ पे इंजन की बात करी जाए परफॉर्मेंस वाइज, तो यहाँ पे बोलेरो का इंजन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पावर और टॉर्क कम मिलने वाला है. यहाँ इस कम इन द सेंस, अगर आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं या फिर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उसके कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे बोलेरो नियो के इंजन में मिल सकती है रेदर देन अर्टिगा. अब अर्टिगा की बात करी जाए तो अर्टिगा आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी. सिटी में ड्राइव करनी है, आप रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिकल कार पड़ेगी. तो आपको अब चूज करना है, आपको हिली एरिया में जाना है, आपको सिटी ड्राइव करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस इंजन के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. इसके अलावा 3 सिलेंडर मिलता है आपको बोलेरो नियो में, वहीं आपको 4 सिलेंडर मिलता है अर्टिगा में, जो कि काफी रिफाइंड इंजन है. यहां पे 3 सिलेंडर में आपको वो जो नॉइस है 3 सिलेंडर इंजन की वो मिलने वाली है. और कैबिन में जब आएंगे आप, दोनों का कंपैरिजन बता दूं, मैंने दोनों को देखा हुआ है, दोनों कार को, तो यहां पे नॉइस जो है वो अर्टिगा में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, बट बोलेरो में आपको एज कंपेयर टू अर्टिगा फील होगी जरूर, बट इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि आप इरिटेट हो जाएं, क्योंकि जब भी आप म्यूजिक सिस्टम चलाएंगे तो आपको वो फील नहीं होने वाली. दोनों के फ्यूल टाइप आपको मिलेगा, पेट्रोल अर्टिगा में और डीजल आपको बोलेरो में मिलेगा. ड्राइव की बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिलती है अर्टिगा में और रियर व्हील ड्राइव मिलती है बोलेरो नियो में, जो कि ऑफ रोडिंग को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है. हिली एरिया में जब आप जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और आप काफ़ी स्मूथ ड्राइव कर पाएंगे बोलेरो नियो के साथ. अगर दोनों के स्टांस की बात करी जाए तो एक एमपीवी है, एक एसयूवी है, तो दोनों में डिफरेंस है. अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको एमपीवी पसंद है तो आप अर्टिगा के साथ जा सकते हैं, अगर आपको एसयूवी पसंद है तो बोलेरो एक अच्छा ऑप्शन है. अगर ओआरवीएम्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको अर्टिगा में मिलते हैं, बोलेरो में नहीं मिलते हैं, तो एक ये एडवांटेज बोलेरो के पास नहीं है. साथ ही ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, लुक को भी एनहांस करता है. साइड स्टेपर की बात करी जाए तो आपको बोलेरो नियो में मिल जाते हैं, अर्टिगा में नहीं मिलते हैं. ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए साइड स्टेपर का होना ज़रूरी है महिंद्रा बोलेरो नियो में, अर्टिगा में उतना ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, लुक को बड़ा अच्छा एनहांस करते हैं अगर साइड स्टेपर होते हैं तो. रियर कैमरा आपको ZXI प्लस में मिल जाता है, बोलेरो नियो में नहीं मिलता है. वहीं आपको सेंसर्स ही मिलते हैं, सिर्फ रियर कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता है. आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. रियर वाइपर और डीफोगर आपको दोनों ही कार में मिलते हैं. इसके अलावा अगर बात करी जाए स्पॉयलर्स, तो आपको अर्टिगा में स्पॉयलर्स नहीं मिलते हैं, वहाँ नियो में आपको मिलते हैं. वहीं अर्टिगा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि आपको बोलेरो में नहीं मिलते हैं. सिंपल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, उसके ऊपर DRLs को माउंट किया गया है. पहली बात करी जाए तो लेंथ में आपको अर्टिगा ज़्यादा लेंथ बड़ी मिलती है, बोलेरो नियो आपको नहीं मिलती. सब 4 मीटर में आपको बोलेरो नियो मिलती है, अर्टिगा आपको 4 मीटर से ज़्यादा मिलती है. जो डायमेंशन है वो 4395 mm की है, वहीं आपकी बोलेरो की 3995 की लेंथ मिलती है. अगर विड्थ की बात करी जाए तो आपको 1735 mm का विड्थ मिलता है अर्टिगा में और
195 mm का विड्थ मिलता है आपको बोलेरो में। तो इनर स्पेस की बात नहीं है यहाँ पे, जो डायमेंशन चेंज हो रही है, लेंथ में आपका इनर स्पेस बढ़ता है अर्टिगा के अंदर, बट यहाँ पे अगर इनर स्पेस की बात करी जाए, इंटीरियर स्पेस की बात करी जाए, तो वो नहीं बढ़ रहा है विड्थ में, क्योंकि प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 60 mm का डिफरेंस है। सो अमूमन 60 mm इतना होता है वो आपकी जो आउटर बॉडी की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल की वजह से ही वो डायमेंशन चेंज होती है बेसिकली। हाइट की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है बिल्कुल बोलेरो नियो के पास। अगर हाइट की बात करी जाए तो हाइट यहाँ पे 1817 mm की मिलती है आपको बोलेरो नियो में, और 1690 mm की मिलती है अर्टिगा में। तो एमपीवी और एसयूवी का ये डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा जरूर। बूट स्पेस डेफिनेटली आपको अर्टिगा में ज़्यादा मिलता है। अगर बात करी जाए 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ, तो आपको 209 का बूट स्पेस मिलता है, और वहीं आपको बोलेरो के अंदर 7 सीट की बात करी जाए तो कम मिलेगा। अगर 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपको 384 का बूट स्पेस मिलता है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते बोलेरो नियो में। जी हाँ, तो एक ज़रूरी है जब आप 7 सीटिंग ऑप्शन की बात करते हैं तो रियर एसी वेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फील होता है जब आपके रियर पैसेंजर्स मिस करते हैं इतनी गर्मी में कि उनको एसी की हवा नहीं मिल रही, तो वो ज़रूर आपको फील होने वाला है यहाँ पे बोलेरो नियो में। अर्टिगा के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं बिल्कुल। अब रियर सीट आर्मरेस्ट आपको दोनों ही कार के अंदर मिलते हैं, सेकेंड रो सीट में, और इसके अलावा आपको ड्राइवर सीट पे भी आर्मरेस्ट मिलता है, और इसके अलावा को पैसेंजर पे भी मिलता है आर्मरेस्ट, जो कि आपको अर्टिगा में सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है अर्टिगा के अंदर, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूँगा दोनों के अंदर। नेविगेशन सिस्टम आपको मिलता है अर्टिगा के अंदर। इंफोटेनमेंट की बात करी जाए तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट भी मिलता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको बोलेरो नियो में नहीं मिलता। तो ये एक कमी थोड़ी सी मुझे फील हुई है ज़रूर बोलेरो नियो के अंदर, एटलीस्ट एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले ज़रूर देना चाहिए था यहाँ पे। हालांकि कनेक्टेड फीचर आपको मिलते हैं, ब्लू सेंस आपको यहाँ पे मिलता है इस कार के अंदर बोलेरो नियो के, जो कि अर्टिगा में आपको कनेक्टेड कार फीचर नहीं मिलता। ग्लव बॉक्स में कूलिंग आपको दोनों ही कार में नहीं मिलती, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री दोनों कार में मिलती हैं, बट सीटिंग कंफर्ट की बात करी जाए तो आपको सीटिंग का जो कंफर्ट है वो आपको ज़्यादा मिलता है बोलेरो नियो में एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रैक्टिकलिटी की, तो दोनों ही कार प्रैक्टिकल हैं, बट ज़्यादा अगर बात करी जाए, ज़्यादा अगर मैं पॉइंट दूँ तो अर्टिगा में ज़्यादा दूंगा, क्योंकि वो कंप्लीट 7 सीटर कार आपको मिलती है बोलेरो में। जब आप 7th और 6th पैसेंजर को बैठाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस का मिसमैनेजमेंट होता है, जो कि आपको अर्टिगा में फील नहीं होगा। इसके अलावा इंटीरियर की बात करी जाए तो इंटीरियर दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कुछ बोलेरो नियो में ज़्यादा है तो कुछ अर्टिगा में ज़्यादा है, तो दोनों बैलेंस हैं, मतलब एज पर जो कंज्यूमर है, एज पर जो कस्टमर है, उस पर उसको क्या पसंद है बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आउटर बॉडी की बात करी जाए तो पर्सनली मुझे एसयूवी कार पसंद है, तो बोलेरो का स्टांस जो है वो एक एसयूवी जैसा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, और जो व्हील्स हैं वो भी अच्छे ऑप्शन के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए आउटर बॉडी की और एक्सटीरियर की बॉडी डिज़ाइन की, तो मुझे बोलेरो का ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी डिज़ाइन लगता है, तो एक्सटीरियर में बोलेरो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मुझे लगता है। इंटीरियर में दोनों अगर बात करूँ तो टाई करते हैं, और इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इकोनॉमिकल अगर आपको करना है, सिटी ड्राइव करना है, तो अर्टिगा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बोलेरो, और हिली एरिया में ऑफ रोडिंग करनी है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर रहेगी बोलेरो नियो। अगर बात करूँ ओवरऑल पैकेज की, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अर्टिगा इज मच बेटर देन बोलेरो नियो, बट अगर आप सोचते हैं आपको डीजल कार लेनी है, रियर व्हील ड्राइव लेनी है, तो बोलेरो ऑप्शन बचता है आपके लिए। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करी जाए, पेट्रोल कार आपकी 15 इयर्स की लाइफ रखती है, वहीं आपकी जो डीजल कार है वो 10 इयर्स की लाइफ रखती है, तो एक अगर डेप्रिशिएट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो एक एडवांटेज है मनी वाइज वो आपको मिलता है अर्टिगा के अंदर। सेल सर्विस की बात करूँ तो डेफिनेटली मारुति सुजुकी एडवांटेज रखती है महिंद्रा के ऊपर। अगर बात करी जाए एक पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे लगता है अर्टिगा इज मच बेटर देन बोलेरो नियो, बट सेफ्टी की बात करी जाए तो महिंद्रा की जो कार है वो हमेशा ही अच्छी रेटिंग्स लेके आई है पिछले काफ़ी टाइम से, बट अगर बात करी जाए मारुति सुजुकी की, तो ज़्यादातर कार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है अभी तक। सिर्फ ब्रेजा की बात करें तो वही 4 स्टार की रेटिंग तक अचीव कर पाई है, 5 स्टार में अभी तक कोई भी नहीं पहुँच पाया, तो ये एक डिफरेंस दोनों कार के अंदर है। बट अगर ओवरऑल
पैकेज की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि अर्टिगा मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू बोलेरो। बट अगर मुझे हिली एरिया में जाना है, मैं ज़्यादा एडवेंचर टूरिंग करता हूँ या फिर मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है फिर उस इंसान को लेनी चाहिए बोलेरो नियो, क्योंकि इस बजट में इस परफॉर्मेंस के साथ यही कार मिल सकती है। और इकोनॉमिकल अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपको फैमिली ट्रिप्स भी करना पसंद है, तो आपके लिए अर्टिगा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सो गाइज, ये मेरा एक अनबायस्ड रिव्यू कंपैरिजन था दोनों कार का, तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले ऐसी अपडेट्स इस चैनल पे। सो गाइज, इसी के साथ विदा लूँगा, जय हिंद जय भारत। और जाने से पहले बता दूँ, गिव अवे के रिजल्ट कल अनाउंस हो जाएंगे, तो वेट करिए कल तक का। कल की वीडियो में गिव अवे के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ विदा लूँगा, जय हिंद जय भारत।